हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर सिविल इंजीनियर का कुछ बताइए पेपर टू का। तो चलिए हम लोग पेपर टू के बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन कहां कहां से आया है, कौन कौन सा क्वेश्चन आया है और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ कि जितने सारे हम क्वेश्चन करवाए थे सीरीज का, सारा क्वेश्चन SSC JEE का प्रीवियस ईयर था और MedEG का जो क्वेश्चन बुक जो बुकलेट देखे हुए आप लोग, उसी का पूरा क्वेश्चन था। और दोस्तों हूबहू सेम क्वेश्चन वही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ESE का हो गया चाहे SSC JEE का प्रीवियस ईयर, सारा क्वेश्चन वहीं से है। जो बच्चा ESE का पेपर लगाया होगा या फिर SSC JEE का प्रीवियस ईयर लगा के गया होगा, वो 100% पेपर को फोड़ के आया हुआ है। 110% गारंटी साथ देते पेपर को फोड़ के आया हुआ। पूरा सिंपल क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल भी सिंपल, मतलब दो चार क्वेश्चन छोड़ के, मतलब सिंपल बेसिक फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनाया हुआ था। ठीक है, और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया उसमें, तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन डाल दिए हैं। देखिए नहीं देखेंगे तो मैकेनिकल हो चाहे सिविल हो चाहे इलेक्ट्रिकल कोई ब्रांच का, देखिए जाके स्टेटमेंट वाला प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो चलिए हम इसमें डिस्कस करेंगे सिविल इंजीनियरिंग का पेपर टू में कहाँ से क्वेश्चन पूछा था, कौन कौन क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए करना कुछ नहीं, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक ये वीडियो को जरूर देखिए, जितना डाल रहे हैं रामबाण साबित होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जितना डाले हुए क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन उसी में से मतलब जितना डाले अब तक काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिला है। सर आएगा ही क्यों नहीं, क्योंकि वही चीज़ तो डाल रहे जो SSC JEE और ESE का क्वेश्चन वही सब डाल ही रहे, तो वहाँ उससे बाहर थोड़ी क्वेश्चन देगा वो। तो अभी भी टाइम है, जिसका एग्जाम नहीं है वो अभी भी उस आपके पास बुक वगैरह होगा SSC JEE और ESE का हो तो आप लगा जरूर लगा लीजिएगा, या फिर नहीं होगा तो हम डेली डालेंगे, 2 से 3 वीडियो डालेंगे दोस्तों आप लोग के लिए। बस आप लोग का रिक्वेस्ट करेंगे 3 से 4 वीडियो डालिए सर डेली, लेकिन 4 वीडियो नहीं हो सकता है, लेकिन 2 से 3 जरूर डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पूरा पेपर आपको करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। इसलिए जितना जल्दी हो सके चैनल से जुड़िए। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या क्या आया था। देखिए पहला क्वेश्चन बताते हैं, शियर स्ट्रेस इन रेक्टेंगुलर बीम क्या आया था। शियर स्ट्रेस इन रेक्टेंगुलर बीम। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, अभी रेक्टेंगुलर का आया तो हो सके ट्रायंगल का पूछ दे, कल हो सके परसों सर्कल का पूछ दे, क्योंकि देखिए दोस्तों क्वेश्चन एक लेवल का बनाया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 19-20 का डिफरेंस देखने को मिलेगा, यही नहीं कि 15 और 20 का डिफरेंस, नहीं। शियर स्ट्रेस रेक्टेंगल का पूछा है तो कल हो सके शियर स्ट्रेस ट्रायंगल का पूछ दे, परसों हो सके सर्कल का पूछ दे, समझ सकते हैं। इसलिए आपको शियर स्ट्रेस का सारा फॉर्मूला देख के जाना है दोस्तों। यहाँ से पता है लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, 2 से 3 क्वेश्चन शियर स्ट्रेस का पूछा गया था, इसमें क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक, चलिए और दूसरी बात, और स्टेटमेंट वाला प्रॉब्लम आया था बहुत सारा, कम से 15-20 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला प्रॉब्लम आया हुआ था। ठीक है, चलिए तीसरी बात क्या है, हाइट ऑफ क्राउन क्या आया था। हाइट ऑफ क्राउन आया था, ठीक है, इन कैम्बर, ये क्वेश्चन आया हुआ था, एक न्यूमेरिकल, हाइट ऑफ क्राउन इन कैम्बर, इस पर एक न्यूमेरिकल आया हुआ था, इस पर एक न्यूमेरिकल आया हुआ था। ठीक है, तो ये सब टॉपिक जो बता रहे उस टॉपिक देख लीजिएगा आप लोग रिविजन के तौर पर, ताकि फ़ायदा हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन इसी के इधर गिर्द बनने वाला है आपको, नहीं है। चलिए और देखते हैं क्या है, और क्या आया हुआ, मेरे पास व्हाट्सअप आया हुआ है। चलिए और क्या है, करंट रेशियो को उल्टा कर दो तो रेजिस्टेंस, अच्छा करंट और रेजिस्टेंस पे आया था, V=IR पे बता रहा है ये, V=IR। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आया था, और 2 क्वेश्चन था पैरेलल कनेक्शन, क्या था पैरेलल कनेक्शन रेजिस्टेंस में, तो पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस कम होता है, एनी ऑफ द रेजिस्टेंस 40-80 वाला आंसर होगा। चल ठीक है, ऑप्शन था 40-80 करके कुछ था ऐसे करके, वही बता रहा है कि 40-80 का आंसर होगा, तो सीरीज रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्शन करके क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक दोस्तों, चलिए और क्या था, एक ये भी न्यूमेरिकल पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा है, उसमें इक्वेशन रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट का रेशियो दिया था, हाँ वही चीज़ है, करंट का रेशियो पूछा हुआ, करंट का रेशियो पूछा था, VRMS दोस्तों, RMS करंट और VRMS आपको करवाए परसों नरसों करवाए तो क्वेश्चन। ठीक है, वही इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, 2 क्वेश्चन यहाँ से IRMS और VRMS से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ऐसा ही था यार पेपर 2 में न्यूमेरिकल बेस्ड। चलिए चलिए दोस्तों और आगे देखते हैं क्या आया हुआ था क्वेश्चन, और इतना हो गया। चलिए और देखते हैं टिपिंग बकेट पे क्वेश्चन है, TI क्या लिखा हुआ है, टिपिंग बकेट का डायग्राम के साथ आया था। ठीक है, टिपिंग बकेट का दोस्तों डायग्राम के साथ आया था क्वेश्चन, ठीक है, डायग्राम के साथ आया था, तो आप लोग देख लीजिए, सिविल वाले होंगे एक बार टिपिंग बकेट देख लीजिए क्या है। ठीक है, डायग्राम के साथ पूछा गया, पेल्टन व्हील ये सब करवा चुके हैं, व्हील देखिए दोस्तों हम आज ही करवाएं, यार आज कल शाम करवाए थे शायद, पेल्टन व्हील हो गया, रेसिप्रोकेटिंग पंप हो गया, या फिर
सेंट्रीफ्यूगल पंप सारा क्वेश्चन इसमें से तीन से चार क्वेश्चन आया हुआ है आज, तीन से चार क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ करवा चुके, जाकर देखे नहीं देखे होंगे तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है जीएसएससी जेई के नाम से, सारा वीडियो को देख डालिए, ठीक है, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आपको। चलिए और क्या, पेल्टन व्हील टर्बाइन का डिस्चार्ज निकालने पूछा था। अच्छा, पेल्टन व्हील टर्बाइन का डिस्चार्ज लगाने निकालने पूछा था, तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला आज ही करवाएं, आज जाकर देखिए। आज मेरे ख्याल से एक या दो बजे वीडियो डाले थे वो है, पेल्टन व्हील का डिस्चार्ज कैसे होता है, फ्रांसिस व्हील का डिस्चार्ज कैसे निकलता है, और फार्मूला बताया था उसमें, और कैगर का था कप्लान टर्बाइन का कैसे निकलता है, सबका बता चुके हैं उसमें, जाकर देखिए, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। रिकॉर्डिंग रेन गेज चुनना था। अच्छा, रेन गेज से क्वेश्चन आया था, रेन गेज चार पांच दिया था, तो चुनना था कि रिकॉर्डिंग रेन गेज कौन है, रेन गेज, ठीक है, रेन गेज से क्वेश्चन आया था एक, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, थिकनेस ऑफ, अगला क्वेश्चन क्या हुआ था, थिकनेस ऑफ एप्रोन, एक अच्छा क्वेश्चन था जो डायरेक्ट फार्मूला पर। अच्छा, थिकनेस ऑफ एप्रोन आया था, ठीक है, एप्रोन था जो कि डायरेक्ट फार्मूला पे था, डायरेक्ट फार्मूला पे था, तो आपको फार्मूला सब याद करके जाना है, डायरेक्ट फार्मूला पे था, ठीक है दोस्तों। चलिए, एक रिलेशन आया था ई के जी वाला रिलेशन, ठीक है, ई इज इक्वल टू 9 kg प्लस 3k + g, ऐसे करके, या फिर ई इज इक्वल टू 2g1 + μ, या था ई इज इक्वल टू 3k1 - 2μ, ऐसा रिलेशन देख लीजिए कौन आया था तीनों में से, तो उसे रिलेशन आया था, तीन रिलेशन है, तीन रट लीजिएगा। ई इज इक्वल 9 kg 3k + g, ई इज इक्वल टू 2g1 + μ, ई इज इक्वल टू 3k1 - 2μ, तो ये चीज़ रट जाइएगा, डायरेक्ट फार्मूला आया हुआ था, अरे ई क्वेश्चन करवा चुके हैं, ठीक है। चलिए, सीयर स्ट्रेस इन रेक्टेंगुलर बीम, जैसे दो से सीयर स्ट्रेस, अच्छा ये तो पहले हो चुका है, सीयर स्ट्रेस रेक्टेंगुलर बीम दो से तीन क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ से, ठीक। और क्या है, और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन तो बता ही दिए हैं, ठीक है। और क्या मैसेज किया है, हाँ क्वेश्चन था इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर, बीपी और फ्रिक्शन पावर, ठीक है, तीनों देख के जाएगा, क्या इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर, फ्रिक्शन पावर, और इसका एफिशिएंसी नहीं होता है, मैकेनिकल एफिशिएंसी, बीपी अपन आईपी नहीं होता है, ब्रेक पावर अपन इंडिकेटेड पावर, इस टाइप इस पे क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, एक से दो क्वेश्चन यहाँ से भी बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए, तो मेन ये टॉप टॉपिक है दोस्तों, तो इतना सारा क्वेश्चन हमें मिला है, सब क्वेश्चन तो नहीं मिल सकता, इम्पॉसिबल है ना ये बात, लेकिन चलिए जहाँ तक कोशिश किए, तीन चार लड़का से पूछने की कोशिश किए, हालांकि कॉन्टैक्ट हर से किसी से नहीं हो पाया, जहाँ तक हो पाया जितना क्वेश्चन मिला मैं आप लोग तक रख दिया हूँ, ठीक है। तो इसके हिसाब से देख लीजिए क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है, और अभी भी टाइम है आपके पास, तो एसएससी का प्रीवियस ईयर देख लीजिए, या फिर ईएससी का क्वेश्चन कर लीजिए। यदि आपके बुक वगैरह नहीं है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और जितना वीडियो डालते हैं आप लोग देखा कीजिए, ठीक है। क्यों ना दीपावली में भी एक वीडियो डालना पड़ेगा, जरूर डालेंगे आप लोग के लिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग बस इतना अच्छा कमेंट प्यार दे रहे हैं, तो आप मेरा भी फर्ज बनता है कि इस पर कुछ काम किया जाए, ठीक है। तो परसों जिसका एग्ज़ाम है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और बढ़िया से कीजिएगा दोस्तों, और दो से तीन वीडियो हम डेली डालने की कोशिश कर रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन तो डाल ही दिए हैं, 30 से 40 क्वेश्चन अभी और डालने हैं उसमें, ठीक, और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन अभी और बना के डालना है आपको, वो स्टेटमेंट वाला सब ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सभी के लिए, ठीक है दोस्तों। और जो इलेक्ट्रिकल, जो जनरल इंजीनियरिंग का इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन है, जो बेसिक इंजीनियरिंग का क्वेश्चन कराए हैं, शायद पहला या दूसरा क्लास में एक साथ करवाए, देख लीजिएगा बेसिक इंजीनियरिंग वाला, ठीक है, वो जरूर देख के जाइएगा, दो पार्ट में कराएं, पार्ट वन और पार्ट टू, दोनों में से कराया जाइएगा, दोनों से तीन से चार क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से सेम क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा लेकिन उस प्रोसेस पे मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो जरूर देख के जाइएगा वहाँ से। चलिए, और उस पर कुछ तो और कुछ नहीं है, नहीं यार कुछ नहीं। चलिए दोस्तों, फिर करते हैं वीडियो के यहीं अंत करते हैं, 25 तारीख की आपका वीडियो एग्ज़ाम है, तो आपको आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, और अभी लगे कल होली वगैरह दिवाली वगैरह बाद में मनाइएगा, थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए, जॉब लीजिए, ठीक है, अच्छा मौका है खास करके सिविल वालों के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।